चलो बच्चों, तो आज हम लोग OC में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2। देखो, ये सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर में जो है वो ये समझा था कि देखो, जो बिजनेस होता है वो बिजनेस का मतलब सिर्फ लेन देन करना नहीं होता, ठीक है ना। कोई चीज़ खरीदी और बेची, इसका मतलब बिजनेस हो गया, ये बिजनेस नहीं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। ओनली बिजनेस में इसके अलावा परचेसिंग और सेलिंग के अलावा भी दूसरे बहुत सारे सर्विसेज हैं कि जिनकी वजह से ही बिजनेस कंटिन्यू चल पाता है। उन सर्विसेज में इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिसमें इंश्योरेंस की सर्विस, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, गोडाउन की सर्विस, इन सब की सर्विस हमने समझी थी कि इनकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत ही स्मूथ चल पाता है। और अब इस चैप्टर में हमें बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2 में बिजनेस की दूसरी एक सर्विस समझनी है, ठीक है। हाँ, एक ही सर्विस लेकिन काफ़ी डिटेल में समझनी है, और बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी सर्विस। वो सर्विस आती है बैंक की सर्विस। किसकी सर्विस? बैंक की, बराबर। तो बैंक की सर्विस के बारे में समझे ना, तो ऐसे कहते हैं बैंक के बारे में पहले कुछ हिस्ट्री समझें। तो कहते हैं कि भाई, सबसे पहली बैंक जो है वो जिनेवा में शुरुआत हुई थी 1407 में। दुनिया की सबसे पहली बैंक वो जिनेवा में 1407 में शुरुआत हुई थी। ये जो वर्ड बैंक है ना, वो बैंक वर्ड कैसे बना? तो ऐसे माना जाता है कि बैंक वर्ड जो है वो एक इटालियन वर्ड बैंको पर से लिया गया है। एक इटालियन वर्ड बैंको पर से वर्ड बैंक बना था। ये ऐसा भी मानते हैं कि रोमन कंट्रीज़ में जो मनी लेंडर्स होते थे ना, मनी लेंडर्स मतलब पैसे उधार देने वाले, ठीक है ना, उधार देने वाले, वो मनी लेंडर्स, उन्हें रोमन में कहा जाता था मैकेला, है ना, मैकेला कहा जाता था रोमन में। उसके बाद उस पर से वर्ड बना कि उस वक्त रोमन कंट्रीज़ में वो जो मनी लेंडर, जो पैसे देने वाले होते हैं ना, उधार देने वाले, वो कैसे काम करते? तो मार्केट में बीच में कि एक बड़ी सी बेंच लेकर वहाँ पर बैठे रहते हैं। आज के टाइम में भी पता है आप लोगों ने मार्केट में काफ़ी बार ऐसी शॉप देखी हुई होगी कि जिसमें जो है वो बाहर लिखा हुआ होता है, हेडिंग लिखी गई होती है गुजरात में, नाणा धीरनार या नाणा आपनार लिखा हुआ होता है ना, ऐसा पैसे देने वाले। किसी को भी उधार पैसे चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। सही बात है, ये भी तो काम करते हैं ना, बरोबर। तो ऐसा काम पहले से चल रहा है रोमन कंट्रीज़ में। जब ऐसा काम करते हैं ना, तो पहले शॉप वगैरह होती नहीं, मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी सी बेंच लेकर लोग बैठते कि किसी को भी उधार पैसे चाहिए तो हमें बताना। एक बेंच लेकर बैठते थे, इसी वजह से उस बेंच पर से ही वर्ड बना था बैंकू। उसी पर से ही वर्ड बना था बैंकू, और उस बैंकू पर से आगे चल के वर्ड बना बैंक। ये बैंक वर्ड फिर वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर हुआ, सही माना गया। फिर उसके बाद जो भी पैसों के लिए काम करता है ना, तो वो संस्था वो जनरली बैंक कहलाती है। पैसों के लिए, पैसों से काम करने वाली संस्था, वो क्या कहलाई? बैंक, ठीक है ना। ऐसे ही इसका नाम पड़ा था। या तो बैंक की अगर प्रॉपर डेफिनेशन समझे, तो अकॉर्डिंग टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी, RBI के हिसाब से कहा जाता है कि बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट डिपॉजिट इन ऑर्डर टू लेंड देम विथ कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म और वेन एवर इट इज़ डिमांडेड। तो RBI के हिसाब से बैंक क्या कहलाता है? वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्था है विच कलेक्ट डिपॉजिट। उसका मेन काम है डिपॉजिट कलेक्ट करना, लोगों से पैसे जमा करना। हम जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमसे पैसे लेती है ना, तो लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करना किसके लिए? तो इन ऑर्डर टू लेंड देम, कि जिससे वो पैसे फिर किसी और को उधार दे सके। बैंक का काम यही है ना, एक पर्सन से जो है वो बैंक अकाउंट में पैसे लेंगे तो दूसरे को वो उधार देंगे, विथ कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म। इस कंडीशन पे वो किसी को भी उधार देते हैं
कि फिक्स टर्म फिक्स टाइमिंग पे वो उससे रिटर्न ले सकें। बैंक अगर मुझे उधार देती है तो इस कंडीशन पे देती है ना कि हाँ भाई 2 महीने 6 महीने 1 साल बाद रिटर्न करो फिक्स टर्म, और वेन एवर इट इज डिमांडेड, या तो जब भी बैंक डिमांड करे तो उसे वापस देना पड़े। सही बात है ना? या तो शॉर्ट में अगर कहो कि बैंक वो कहलाती है, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन उसकी, वो कहते हैं कि कोई भी संस्था जो बैंकिंग की सर्विस देती हो, बैंक की हर सर्विस देती हो तो वो बैंक कहलाए, जो बैंकिंग की सभी सर्विस देती हो तो वो संस्था क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। बरोबर। तो इस बैंक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, जिसमें एक नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो आता है फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के फंक्शंस क्या है। तो आज तो बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन पहले के टाइम में बैंक इतना सारा काम नहीं करती थी। बैंक के मेनली पहले दो ही फंक्शन होते थे, पहले सिर्फ दो फंक्शन होते थे। पहला फंक्शन ये टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस बैंक परफॉर्म अदर एक्टिविटीज टू। उनका मेन काम एक ही होता था, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, मतलब कि जो भी पैसे लोग उन्हें बैंक में पैसे जमा करने हैं तो सबसे एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। हम लोग जैसे अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो बैंक वो पैसे लेती है, ठीक है। तो ये इनका मेन फंक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा बैंक परफॉर्म अदर एक्टिविटीज टू, या दूसरे भी जनरल वर्क करते हैं। और दूसरा उनका काम होता था टू इन्वेस्ट और लैंड मनी, कहीं पे इन्वेस्ट करना या किसी को उधार देना, ठीक है। तो मेनली उनके दो ही काम, लोगों से पैसे लेना और लोगों को पैसे उधार देना। जिनके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उनसे बैंक पैसे लेती है, ठीक है ना। आप लोग जब बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हो तो फिक्स डिपॉजिट में कैसे 4 साल 5 साल के लिए अपने पैसे फिक्स वहाँ पे रख दिए, तो बैंक वो पैसे क्या 4 5 साल एक जगह थोड़ी रख देती है। वो आपके पैसे फिर दूसरे किसी को जरूर हो तो वो उन्हें वो उधार देती है। बैंक का काम ही तो यही है ना, किसी एक से जो है वो पैसे उधार लेना और दूसरे को पैसे उधार देना। सही बात। और इनके बीच में जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट वो बैंक की इनकम कहलाती है ना। इनके बीच में बैंक को बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलता है, जो उसका प्रॉफिट वो उसकी इनकम कहलाए। तो पहले के टाइम में बैंक ये दो ही काम करते थे सिर्फ, बरबर ना। आज भी ऑलमोस्ट बैंक का मेन फंक्शन यही है, लेकिन उसके अलावा भी बैंक आज बहुत सारे दूसरे फंक्शन करती हैं। इसी वजह से आज बैंक के जितने भी फंक्शंस हैं ना, उन फंक्शंस को या तो काज उनमें दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या तो एक कहते हैं मेन फंक्शंस, बैंक के मेन फंक्शंस, और दूसरे होते हैं बैंक के सब्सिडियरी फंक्शंस। सब्सिडियरी मतलब कि भाई दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। तो अब बैंक के मेन फंक्शंस देखें कि बैंक के मेन फंक्शंस कौन कौन से। तो बैंक के मेनली ये 4 मेन फंक्शंस आते हैं, ये 4 मेन फंक्शंस, जिनमें से सबसे पहला आता है टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। सबसे पहला फंक्शन कौन सा? टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। बैंक जो है उन लोगों के पास जो सरप्लस अमाउंट हो, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, बैंक उसे कलेक्ट करता है ना, उनसे एक्सेप्ट करता है। और इसके लिए बैंक घर घर जाता नहीं है, घर घर नहीं आती बैंक, लाओ भाई आपके पास कितने एक्स्ट्रा पड़े हैं, कितने सरप्लस हैं आपके पास, वो पैसे मुझे दे दो। तो बैंक ऐसे घर घर आकर नहीं आती नहीं है, लेकिन जो भी कस्टमर को, जो भी पर्सन को अपने सरप्लस अमाउंट को कहीं सेफ रखना हो तो वो बैंक के पास जाते हैं। उस बैंक में वो वहाँ पर एक अकाउंट खुलवाते हैं। फिर तो जिस जो भी पर्सन बैंक में अकाउंट खुलवाता है वो उस बैंक का फिर कस्टमर बन जाता है। सही बात है ना, वो उसका कस्टमर बन जाता है। और उसके बाद उस अकाउंट में वो पर्सन अपनी सरप्लस अमाउंट जमा करता है। जैसे आप अगर, या आपके आपके पेरेंट्स अगर कहीं काम करते हो तो उनकी सैलरी होगी कि भाई महीने की 20,000 अगर सैलरी आ रही है, जिसमें से घर का खर्चा 15,000 हो रहा है, तो 5,000 जो बचे तो वो घर पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे अच्छा कहेंगे ना कि कहीं पे सेफ रख दें, तो वो सेफ कहाँ पे रख देते हैं? बैंक में रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवा देते हैं।
कि जिसके अंदर आपके जो भी 5,000 की सेविंग होगी हर महीने, वो 5,000 की सेविंग बैंक में जाकर जमा करवा लेंगे, वहाँ पे सेफ पड़ा होगा ना। सही बात ना? तो इसलिए बैंक का मेन फंक्शन यही होता है, टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। इसके लिए जो बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है वो जनरली 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, तो ना, कोई सेविंग अकाउंट खुलवाता है, कोई करंट अकाउंट, कोई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो कोई फिक्स अकाउंट, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बरोबर, इन चारों अकाउंट्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। इस फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन आता है टू लैंड मनी। बरोबर, दूसरा इनका फंक्शन बैंक का क्या, लैंड मनी मतलब पैसे उधार देना। बैंक का जो पहला फंक्शन है ना, लोगों से पैसे कलेक्ट करना, तो फिर कलेक्ट करके बैंक अपने पास थोड़ी रख देगी, ठीक है। बैंक में जो है वो अगर 5,000 लोगों ने अपना अकाउंट वहाँ पर खुलवाया, सेविंग अकाउंट, सिर्फ सेविंग अकाउंट, जस्ट एग्जांपल के सेविंग अकाउंट खुलवाया, सब ने जो है वो 5,000-5,000 रुपये अगर वहाँ पर जमा किए, 5,000 लोगों ने 5,000-5,000 रुपये अगर वहाँ पर जमा किए, तो कुछ करीबन जो है वो 2,50,00,000, 2.5 करोड़ जितनी जो है वो इनकम वहाँ पर आ जाएगी, पैसे वहाँ पर आ जाएंगे। और ये 2.5 करोड़ रुपये, समझ लो, 5,000 लोगों ने जो 5,000-5,000 रुपये अगर जमा करवाए वहाँ पर, बैंक ने वो एक्सेप्ट किए, तो ये 2.5 करोड़ रुपये बैंक अपने पास रख कर क्या करेगी, तो रोज़ खाली गिन के वापस अंदर रख दें, ऐसा थोड़ी काम है। मतलब तो वो बैंक क्या काम करती है कि ये जो उसके पास पैसे आए ना, वो पैसे फिर जिसको ज़रूर हो ना, उसे वो पैसे लैंड करती है, मतलब उधार देती है। सही बात है कि भाई समझो कि भाई मैंने वहाँ पर 5,000 रुपये जमा किए हैं, अब किसी और को ज़रूर है तो बैंक उसमें से कुछ पैसे उसको दे देगी। सही बात है ना? मुझे तो अभी फ़िलहाल ज़रूर नहीं है, मुझे जब ज़रूर होगी तो मैं बैंक के पास लेने जाऊँगा ना, तो मुझे देगी, फिर तब तक वो पैसे दूसरों को देते हैं बैंक, ठीक है ना। तो उस वक्त वो जो पैसे देने होते हैं ना, वो जनरली दूसरों को पैसे कैसे देती है, तो वो 2 मेथड्स हैं, या तो लोन के थ्रू, लोग लोन लेते हैं ना, है ना, तो वो लोन के थ्रू जो है वो बैंक दूसरों को पैसे देती है। आपको जो घर पे फ़ोन आते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, वो जनरली इसीलिए कि बैंक के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और बैंक से कोई उधार ले रहा नहीं है, तो बैंक सामने से सबको कहते क्या, भाई लो उधार लो इनसे, ठीक है ना। तो ये एक लोन के थ्रू पैसे उधार देते हैं, या तो फिर दूसरा सिस्टम होता है तो वो होता है ओवरड्राफ्ट के थ्रू, या तो कैश क्रेडिट के थ्रू। बरोबर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो जनरली लोन लेते हैं, या कोई पर्सन भी, किसी ने घर के लिए लोन लिया, किसी ने गाड़ी के लिए, किसी ने एजुकेशन के लिए, तो ये बैंक से पैसे उधार लेते हैं ना। या तो बैंक देती है, वो होती है ओवरड्राफ्ट, या तो कैश क्रेडिट, ये भी एक लैंड मनी मतलब उधार देने का एक तरीका है। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट किसे कहते हैं, कि आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हो ना, आप उससे ज़्यादा पैसे जो है वो निकाल सकते हो, तो इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बरोबर ना, मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन मुझे अर्जेंटली 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं बैंक को जाकर कहूँगा कि भाई मुझे अर्जेंटली 20,000 रुपये चाहिए, मैं 1 हफ्ते बाद फिर से आपको दे दूँगा, तो मेरे पास 10,000 अपने होंगे, 10,000 बैंक मुझे एक्स्ट्रा देगी, ठीक है, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। बरोबर ना, तो इस तरह से बैंक के दूसरा मेन फंक्शन आता है टू लैंड मनी, लोगों को उधार देना। या तीसरा आता है, तीसरा फंक्शन आता है टू इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना मतलब कि भाई अगर कोई दूसरा कोई पर्सन अगर लोन नहीं दे रहा है या लोन नहीं ले रहा है ना, तब उस वक्त बैंक के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, वो अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं पर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, कोई गवर्नमेंट के शेयर्स खरीद लेना, शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो खरीद लेना, या कोई गवर्नमेंट का अगर कोई फंक्शन, कोई वर्क चल रहा हो तो उसमें अपने पैसे लगाना, जिसमें सरकार वापस पैसे देती है विथ इंटरेस्ट। मतलब कोई सरकार का फंक्शन चल रहा हो, फंक्शन मतलब कि कोई वर्क चल रहा हो, जैसे पता है हमारे गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था, तब उस वक्त सरकार को बहुत पैसों की, उधार पैसों की ज़रूरत थी, सरकार ने सबको कहा था कि लाओ भाई पैसे उधार लाओ,
फिर जब स्टेचू ऑफ यूनिटी पूरा बन जाएगा, इनकम शुरू हो जाएगी। आज पता है कितनी पब्लिक वहाँ पर जाती है, इनकम होती है ना सरकार को कि भाई जब हमारी इनकम शुरू हो जाएगी तो सबको पैसे लौटा देंगे। सरकार ने सबसे पैसे मांगे थे, तब उस वक्त काफ़ी सारी बैंक वो इस तरह से इन्वेस्ट करती है, वो सरकार को ऐसे प्रोग्राम के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए पैसे देती है। लो भाई हमारे भी भाई ये 1 करोड़ रुपए हैं हमारी बैंक की तरफ से। फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो सरकार उन्हें 1 करोड़ के साथ विथ इंटरेस्ट भी देगी, रिटर्न उससे ज़्यादा देगी 1 करोड़ से। तो वो जो ज़्यादा मिलेंगे वो क्या कहलाए, वो बैंक का प्रॉफिट कहलाया ना। या बैंक किसी शेयर्स खरीद कर उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जिससे अगर शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो भी बैंक को प्रॉफिट मिलता है, सही बात है। या तो फिर दूसरा उनका मेन फंक्शन आता है, वो आता है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग मतलब दो बैंकों के बीच का ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब कि दो बैंकों के बीच में अगर एक बैंक में कहीं पैसे ख़त्म हो गए तो अर्जेंटली वो दूसरे बैंक से जो है वो पैसे मंगवाते हैं ना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कॉल मनी। क्या कहते हैं? कॉल मनी। ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे देखो कोई एक दिन ऐसा होगा बराबर कि जिस दिन जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाने वाले कम आते होंगे और विड्रॉ करवाने वाले ज़्यादा आ गए, बरबर विड्रॉ करवाने वाले ज़्यादा आ गए। रोज़ बैंक में आप जाते होगे और रोज़ देखते होगे वहाँ पर कि कितने सारे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं डिपॉजिट करवाने आते हैं, अपने पैसे जमा करवाने आते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पैसे निकलवाने आते हैं। अब कोई एक दिन ऐसा निकला उनका कि भाई जिस दिन जो है वो डिपॉजिट करवाने वाले आए नहीं, मतलब पूरे दिन में डिपॉजिट आई समझो 10 लाख की, और वहीं पर कोई एक पर्सन आ गया कि भाई मुझे आज के आज जो है वो 20 लाख की लोन चाहिए, बैंक से मांगी, मुझे आज के आज 20 लाख की लोन चाहिए, क्या आप दोगे मुझे? अब बैंक ये लैंड मनी के लिए, मतलब पैसे देने के लिए मना थोड़ी करेगी, बरोबर ना, वो मना थोड़ी करेगी। बैंक का काम ही है, क्योंकि बैंक को इससे इंटरेस्ट मिलता है ना। भाई मैं ही अगर अर्जेंटली बैंक के पास गया और बैंक को जाकर कहा कि भाई मुझे आज के आज जो वो 20 लाख की लोन चाहिए, भाई मुझे आप दोगे, तो बैंक मना नहीं करेगी। ये तो बैंक का काम है, हम उसके कस्टमर है, कस्टमर को मना थोड़ी करते हैं कि नहीं भाई आज पैसे नहीं है जाओ। बैंक कैसे मना कर सकती है? नहीं कर सकती ना। लेकिन अगर बैंक के पास सच में पैसे न भी हो ना, तो बैंक इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करके, मतलब दूसरी बैंक से फिलहाल पैसे मंगवा कर और हमें दे देगी। मैं बैंक के पास जाऊँगा ना, मुझे 20 लाख की लोन दो, तो बैंक उसके पास न भी होगा ना तो भी दूसरी बैंक के पास जाएगी, उनसे उधार लेगी और फिर हमें दे देगी वो। इसे कहते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर जब बैंक के पास पैसे आ जाएंगे ना, तो वो बैंक उस बैंक को भी वापस पैसे दे देगी, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर कहो तो जब हमें अर्जेंटली पैसों की ज़रूर हो ना, कोई बैंक को अगर अर्जेंटली पैसों की ज़रूर हो, तो फिलहाल एक दो दिन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए दूसरी बैंक से पैसे मंगवाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल मनी। क्या कहा जाता है उसे? कॉल मनी कहा जाता है। इसके ऊपर फिर उस बैंक को भी चार्ज देना पड़ता है। एक बैंक दूसरे बैंक से चार्जेस वसूलती है, ब्याज लेती है, जिसे कॉल मनी रेट कहते हैं। कॉल मनी रेट उसका फिक्स रेट होता है, ठीक है। वो तो बैंक का काम कि वो दोनों बैंक आपस में जो है वो अपने चार्जेस देगी, हाँ, लेकिन इसे कहते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। समझ में आया ना? तो ये बैंकिंग के मेन फंक्शंस हुए, मेनली ये 4 फंक्शंस होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है, वो आता है बैंक के सब्सिडियरी फंक्शंस, मतलब दूसरे अदर फंक्शंस। उसके अलावा बैंक कौन कौन से काम करती है? तो सबसे पहला काम आता है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द कस्टमर्स। सबसे पहला दूसरा काम आता है कि भाई बैंक में जो भी कस्टमर्स आते हैं ना, जनरली कस्टमर दो काम या समझो दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक डिपॉजिटर होता है और एक बोरोवर होता है, एक पैसे जमा करवाने वाला, एक पैसे निकलवाने वाला, बराबर। या कभी हम लोग पैसे जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में, कभी अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं। तो इन सब ट्रांजेक्शन का लुक आफ्टर करना, मतलब ध्यान देने का काम वो बैंक करता है। कैसे ध्यान देती है? तो आपको पता है कि भाई बैंक जो है वो जनरली जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाता है उसे वो एक पासबुक देते हैं, जिस पासबुक में हर एक एंट्री की जाती है,
ठीक है ना, हर एक एंट्री की जाती है कि कोई भी पर्सन ने बैंक के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, क्या क्या वर्क किए हैं, ये सब एंट्रीज उस बैंक में होती है ना। और पासबुक के साथ साथ बैंक अपने अकाउंट में या समझो अपने कंप्यूटर में भी ये सब एंट्रीज ऐड करती हैं और चेक करते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो बैंक का ये सब्सिडियरी फंक्शन में पहला फंक्शन यही आता है कि हर एक चीज़ ध्यान देना, हर एक ट्रांजेक्शन को ध्यान देना, जो भी कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं ना उनके सब ट्रांजेक्शन्स को ध्यान देना। या दूसरा फंक्शन आता है टू डू ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का वर्क करना। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जिस पर्सन को अगर फॉरेन करेंसी चाहिए हो या तो फिर एक करेंसी का दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो बैंक उन्हें करके देती है, ठीक है ना। कि अगर मुझे अपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाना है तो बैंक मुझे करके देगी, बराबर। ये काम जो है वो ये बैंक का है। या दूसरा फंक्शन आता है, वो फंक्शन आता है टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट किसे कहते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहते हैं कि जब कोई बाहर के पर्सन से कोई उधार लेने जाता हो, ठीक है, या पैसे उधार लेने जाता हो, बैंक से नहीं किसी बाहर से, तो उसे जो है उसे उधार देने के लिए कोई भी पर्सन जब रेडी ना हो ना, तब बैंक उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनाती है कि जिससे उस पर्सन की कैपेबिलिटी चेक की जाती है, उस पर्सन की समझो लॉयल्टी चेक की जाती है कि वो पर्सन फिर से पैसे देने लायक है या नहीं है। इमेजिन करो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखो कि मेरे पास कोई पर्सन जो है पैसे मांगने आया, उधार बैंक से नहीं मेरे पास आया, ठीक है, कि भाई मुझे जो है 5 लाख रुपए उधार दो ना, कोई पर्सन आया मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर कैसे विश्वास करूँ, मैं उसके ऊपर कैसे विश्वास करूँ कि भाई मैं तुम्हें 5 लाख दे तो दूँ फिर तुम भाग जाओ तो क्या भरोसा भाई, सही बात ना। तो इसीलिए वो पर्सन पहले जाएगा बैंक में, बैंक से अपने नाम का लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा, बैंक उसको चेक करके उससे कुछ क्वेश्चंस पूछकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट चेक करके उसे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देगी। लेटर ऑफ क्रेडिट से पता चलेगा कि वो पर्सन जो है वो ईमानदार इंसान है, कोई चिंता नहीं है, बरबर ना भाई, इसको पैसे दे सकते हैं। फिर पर्सन वो मेरे पास आएगा कि भाई मुझे 5 लाख की लोन दो ना, वो पर्सन आएगा फिर से मेरे पास, तो मैं उसे वही क्वेश्चन पूछूंगा ना कि भाई क्या भरोसा मैं तुम्हें क्यों दूँ, तो वो पर्सन मुझे अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाएगा कि देखो मेरे पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, बरबर, तो मैं उसे पैसे दे सकता हूँ कि नहीं ये विश्वास है। मतलब कि अगर वो पर्सन भाग भी गया ना कहीं पे भाग भी गया ना, तो उसकी जगह पर मैं बैंक से पैसे ले सकता हूँ कि आपने उसे लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, तो अब अगर वो पर्सन चला गया मतलब आप ही मुझे पैसे देंगे, तो मुझे फिर पैसे डूबने की चिंता नहीं रहती ना, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट वो ये बैंक प्रोवाइड करती है, इसे पर्सन को ही नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को भी, जो नई नई कंपनियां होती हैं, जैसे कोई नई कंपनी शुरू हुई हो, कोई बड़ी कंपनी शुरू हुई हो ऐसे, तो उसे भी पहले लेटर ऑफ क्रेडिट वो बैंक प्रोवाइड करती है कि जिससे पता चलता है वो कंपनी या वो पर्सन वो लॉयल है, ईमानदार इंसान है, ठीक है। या दूसरा फंक्शन आता है तो टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक, बैंक का दूसरा फंक्शन ट्रैवलर्स चेक इश्यू करना। ट्रैवलर्स चेक किसे कहते हैं कि जब कोई पर्सन जो है वो बाहर की कंट्री में अगर घूमने जाता हो ना, तो बाहर की कंट्री में पैसे ले जाना शायद थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए वो बैंक को कहकर छोटे छोटे ट्रैवलर्स चेक बना लेगा। जैसे मैं अगर कहीं पे घूमने जा रहा हूँ दूसरी कंट्री में, तो मुझे कुछ जो है वो 6-7 लाख रुपए लेकर जाने हैं वहाँ पर, बरबर, खर्चा होगा इतना मुझे लेकर जाना है। अब इतने सारे रुपए मैं जेब में लेकर घूमूं तो रिस्की रहता है ना, तो इससे अच्छा मैं बैंक को कहकर 6-7 लाख रुपए के छोटे छोटे टुकड़े करके, 1-1 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, कुछ ऐसे जो है वो छोटे छोटे चेक बना लूँगा, ट्रैवलर्स चेक। ये ट्रैवलर्स चेक पे सिर्फ मेरी साइन होगी, उसके बाद ही चल पाएगा, नहीं तो नहीं,
मतलब ये ट्रैवलर चेक अगर रास्ते में कहीं गुम भी हो गए ना, मेरी जेब से गिर भी गए ना, कोई चोरी करके भी ले गया ना, तो भी दूसरे के काम आएंगे नहीं, ये सिर्फ मेरे ही काम आएंगे। फिर मैं बाहर की कंट्री में अगर जा रहा हूँ, फिर मुझे कहीं पेमेंट अगर करनी है, तो मैं पैसों की जगह पर 1,000 रुपये के ये ट्रैवलर चेक का निकाल कर उसके ऊपर साइन करके ऑन द स्पॉट दे दूँगा। सही बात ना, तो मुझे पैसे ले जाने की भी कोई चिंता नहीं और साथ में पैसे गुम हो जाने की भी चिंता नहीं। इससे अगर मैं कैश लेके जाऊँ, रास्ते में कहीं गिर गए, कोई चोरी करके ले गया तो कैश गया ना, या तो ट्रैवलर्स चेक कोई चोरी करके भी ले जाए तो भी चिंता नहीं, पैसे डूबेंगे तो नहीं हमारे, बरबर। तो जब बाहर की कंट्री में जाना हो और पैसे ले जाना रिस्की हो ना, तो बैंक ये फैसिलिटी देती है ट्रैवलर्स चेक की। इसके बाद वही सब्सिडियरी में ही दूसरे फंक्शंस आते हैं, तो वो फंक्शन आता है टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विस, बरबर, ड्राफ्ट की सर्विस देना। ड्राफ्ट किसे कहते हैं? जनरली डिमांड ड्राफ्ट जो आता है, बरबर ना, डिमांड ड्राफ्ट। जैसे डिमांड ड्राफ्ट वो होता है कि ये एक तरह के चेक की तरह ही होता है। जनरली कोई बड़े कॉलेज की फ़ीस भरनी हो, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की फ़ीस भरनी हो, या कहीं पे जो है वो पक्के पैसे अगर पहुंचाने हो, तो उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली अगर पैसे भिजवाने हैं, है ना, या चेक भिजवाना है, तो क्या होता है कि कैश भिजवाना रिस्की रहता है, रास्ते में कहीं नुकसान हो गया, तो चेक भिजवाना भी रिस्की होता है। चेक में क्या होता है आपको पता है ना, चेक में अगर गलती से ऊपर एक भी लाइन गलत भी हो गई, चेक जरा सा फट भी गया, तो वो सामने वाली बैंक एक्सेप्ट नहीं करती, ये तो ध्यान होगा ना सबको। तो इसके लिए मुझे अगर यहाँ से दिल्ली पैसे भिजवाना है ना, तो मैं बैंक को कहूँगा कि भाई मुझे यहाँ से दिल्ली 50,000 रुपये भेजने हैं, इस नाम पर भेजने हैं मुझे, तो मुझे 50,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दो। तो बैंक प्रिंट करके एक मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना के देगी, जो एग्जैक्ट चेक की तरह ही दिखाई देता है। चेक में पेन से लिखा हुआ होता है, मेरी साइन भी पेन से होती है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में सब प्रिंटेड होता है और लेमिनेट होता है, जिससे मैं फिर वो डिमांड ड्राफ्ट यहाँ से दिल्ली भेज दूँगा। तो रास्ते में डिमांड ड्राफ्ट पे अगर बीच में ऊपर किसी के पेन का स्क्रैच हो गया, ज़रा सा फट भी गया, तो भी चिंता होती नहीं है। और डिमांड ड्राफ्ट से सेफली पैसे सामने वाले के सीधा सीधा अकाउंट में ही जाते हैं, किसी को पैसे मिलते नहीं हैं, तो मतलब रास्ते में कहीं गुम भी हो गया ना, तो भी चिंता नहीं है, वो पैसे सीधे सही आदमी के, जिसका नाम उसमें प्रिंट होगा, उसी के ही अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो सेफ मनी ट्रांसफ़र करना हो ना, तो उसके लिए भी बैंक ये फैसिलिटी देती है डिमांड ड्राफ्ट की, बरोबर। आजकल तो इन सब की जगह अब तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हो चुकी है, लेकिन पहले ये फैसिलिटीज़ चलती थी और आज भी काफ़ी जगह पर होती है। आप जब 11th 12th कंप्लीट करोगे, फिर जब कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में जब जॉब पढ़ने आगे जाओगे ना, तब उस वक्त फ़ीस पे करने के लिए आपको ऑलमोस्ट डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ करना होगा, तब ध्यान आएगा आपको। आगे देखें दूसरा फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद अ बैंक। बैंक के साथ एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन हो ना, तो उसकी क्रेडिट कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन बैंक देती है। मतलब कि अगर समझो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उस कंपनी के मुझे शेयर खरीदने हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, मुझे कोई कंपनी के अगर शेयर खरीदने हैं, तो शेयर खरीदते वक्त मैं पहले सोचूंगा तो सही ना कि यार वो कंपनी लायक है या नहीं है, कहीं कंपनी में मैं उसके शेयर खरीदो और कंपनी डूब गई तो मेरे तो सब पैसे चले जाएंगे। तो उस कंपनी की क्रेडिट कितनी है, वो लायक है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन पहले मैं बैंक से पूछ सकता हूँ। इवन कोई पर्सन को भी जब उधार देना हो ना, तो उसके लिए मैं पहले बैंक में जाकर पूछ सकता हूँ कि मैं इस पर्सन को पैसे दे रहा हूँ भाई 10 लाख रुपये, वो पर्सन लायक है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले बैंक से निकाल सकते हो और बैंक वो इन्फॉर्मेशन हमें देती है, ठीक है ना। या दूसरा आता है टू प्रोवाइड सर्विस एज अ अंडर राइटर वो पर्सन कहलाता है कि जब किसी को पैसे उधार जरूरी हो और बाहर कहीं से कोई पैसे ना मिलते हो ना, तो आखिरी पर्सन ये बैंक होती, ये अंडर राइटर। जैसे कोई नई कंपनी शुरू होती है ना, तो शेयर मार्केट में उसके शेयर्स होते हैं ना, तो नई कंपनी का रूल है कि जब
उसके मिनिमम 80% शेयर्स अगर पब्लिक खरीदेगी ना, सुनना, कोई नई कंपनी के लिए अगर उसके मिनिमम 80% शेयर्स अगर पब्लिक खरीदेगी ना, तो ही उसकी नई कंपनी शुरू हो पाएगी, नहीं तो नहीं शुरू होगी। ऐसा रूल है कि अगर पब्लिक 80% शेयर्स खरीदेगी तो, अब अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो फिर तो उसकी कंपनी शुरू ही नहीं होगी ना। तब उस वक्त बैंक उसका अंडरराइटर बनकर काम करती है। तब उस वक्त बैंक उन्हें ये सर्विस देती है कि भाई तुम कंपनी शुरू करो, जितने भी लोगों ने तुम्हारे शेयर खरीदे तो ठीक है, बाकी के जितने भी शेयर्स बाकी होंगे ना, वो सब हम खरीदेंगे, बाकी के पैसे हम देंगे। मतलब जैसे रूल है कि 80% शेयर्स पब्लिक को खरीदने चाहिए, लेकिन पब्लिक ने खरीदे ही 50% शेयर्स, अभी भी 30% बाकी है, तो वो बाकी के 30% बैंक उनके शेयर खरीद लेती है। तो उनके अंडर राइटर बनकर काम करते हैं कि तुम काम करो, कहीं पे अटके ना तो मैं बैठा हूँ, कहीं पे भी पैसों की जरूरत पड़ी ना तो हम बैठे हैं, ऐसा बैंक ये सर्विस देती है। या तो फिर दूसरा आखिरी आता है टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज। अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज का मतलब कौन कौन सी, जैसे कि एटीएम की सर्विस देना, आज तो नॉर्मल है ना, हर अकाउंट के साथ एटीएम कार्ड आता है। डीमेट सर्विस देना, डीमेट उनके लिए जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं ना, तो उनके लिए एक नया अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो वो डीमेट सर्विस देना। या तो फिर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सर्विस, आपके घर में कुछ गहने वगैरह पड़े हो तो वो बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आप वहाँ पर रख सकते हो, घर में चोरी हो जाने का डर होता है, इससे अच्छा बैंक में सेफ होते हैं वो, तो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की। या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सर्विसेज, ये सब अदर सर्विसेज होती है जो बैंक प्रोवाइड करती है, बरोबर। तो आज जैसे बैंक के हमने मेन फंक्शंस और सब्सिडियरी फंक्शंस देखे ना, ऐसे ही बैंक और कौन कौन सी यूजफुल सर्विसेज हमें देती है और क्या क्या बैंक का काम है, ये अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।